डॉक्टर जाकिर नायक ने इंतहा पसंद मोदी सरकार की आयराना चालों का भांडा फोड़ दिया। मलेशिया में जालावतन मारूफ भारतीय रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नायक ने इंतहा पसंद मोदी सरकार की आयराना चालों का भांडा फोड़ दिया। अपने एक बयान में डॉक्टर जाकिर नायक ने इंकशाफ किया है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी हुकूमत की जानिब से खुफिया पेशकश की गई कि अगर वो मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 ख़त्म करने की हिमायत करें तो भारतीय हुकूमत इन पर कायम मुकदमात ख़त्म करके उन्हें भारत वापस आने की इजाज़त दे देगी। उनका कहना है कि उन्होंने भारतीय हुकूमत की इस पेशकश को कबूल करने से साफ इनकार किया। डॉक्टर जाकिर नायक के मुताबिक भारतीय हुकूमत की जानिब से उन्हें ये भी कहा गया कि वो बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान ना दें। मारूफ स्कॉलर का मजीद कहना था कि भारत के जिन मुस्लिम रहनुमाओं ने मुतनाज़ा शहरियत के कानून की हिमायत की है उन्हें यकीन है कि उन्हें ऐसा बयान देने के लिए भारतीय हुकूमत की जानिब से ब्लैकमेल या मजबूर किया गया होगा।